हेलो, मेरा नाम है धर्मपाल और आप सभी देख रहे हैं स्टडी हार्ड यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा है फिजिक्स एमसीक्यू पार्ट 4B, जिसमें कि मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऊष्मा यानी हीट के बारे में। कुछ 6 से 7 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल 2018 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और तभी मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको ये बातें बताई जाएं। अगर आपने पार्ट 4A नहीं देखा है हीट का तो ज़रूर देखें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो उसकी आपेक्षिक आर्द्रता पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सहसा वृद्धि मतलब इन द सेंस कि अचानक से बढ़ जाती है वो तापमान किसी जगह का, तो उसकी आपेक्षिक आर्द्रता भी घट जाती है। ठीक है, क्या होती है, घट जाती है, मतलब अगर तापमान बढ़ेगा तो आपेक्षिक आर्द्रता घटेगी, आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मटके के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो वाष्पीकरण एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण मटके के घड़े में जल हमेशा ही ठंडा रहता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो ऊर्जा संरक्षण, जैसे कि हम एनर्जी कंजर्वेशन भी बोलते हैं, ये आपका ऊष्मा गतिकी का पहला नियम है। आपके लिए यहाँ पे काम मैं आपको ये दे रहा हूँ कि ऊष्मा गतिकी के कितने नियम होते हैं, आपको पहले तो वो याद करने हैं। ये आप खुद से करोगे, अगर आप ना हो पाए तो आप कमेंट कर देना, बहुत ही जल्द मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। ठीक, और कौन सा नियम किस अवधारणा पे काम करता है, एक चीज़ आपको इस पे भी ध्यान देना है। तो अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो आपका 1 से 2 नंबर हमेशा ही यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है उसका क्या काम क्या होता है। ठीक है, थर्मोस्टेट आपको वैसे भी पता चल रहा होगा कि हमेशा वो टेम्परेचर को एक लेवल पे बना के रखता है, मतलब एक समान बना रखता है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, आप बचपन से ही 11th 12th से सुनते आ रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि भाप से हाथ आपके ज़्यादा जलते हैं, मतलब भाप आपके हाथों में ज़्यादा एक इफेक्ट डालती है जबकि उबलते हुए पानी से इतना नहीं होता, क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या। क्योंकि भाप में हम आपकी गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट एनर्जी होती है आपकी भाप में, इस वजह से भाप से अगर आप जलोगे तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा इन कंपेरिजन टू उबलते हुए पानी से। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। तो किसी वस्तु की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये हमेशा रखिएगा, ये इससे अच्छा क्वेश्चन हमेशा बनता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी डे टू डे लाइफ के लिए है कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का भारी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। क्योंकि जो उसकी काली सतह होती है वो अच्छी तरह से ऊष्मा को ले लेती है, अवशोषक होती है बहुत, जो उसकी काली सतह होती है बर्तनों की, हमने कुकर वगैरह देखे होंगे, कढ़ाई वगैरह देखी होगी, उसमें क्या होता है कि आराम से आपकी जो हीट होती है वो अच्छी, उसकी जो काली सतह है वो हीट की अच्छी अवशोषक होती है, इस वजह से वो हमेशा काला छोड़ा जाता है। तो ये कुछ 7 पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं पार्ट नंबर 4B हीट के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को ज़रूर दें, शेयर करें वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।